पप्पी कर दे इसको, इसको पप्पी कर दे भैया को, पप्पी कर दे भैया को, पप्पी कर दे, कर दे कर दे भैया को, पप्पी कर दे, कर दे भैया को, पप्पी भैया को, पप्पी कर दो, कर दो, कर दो। शिक्षक भी नहीं जान, अच्छा है पीछे तेरी ऐसी की तैसी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कान बिलीव मिस इज ऑलरेडी 1 year old. क्या कर रहा है? शिट, बात है, बात है, बात है, बात है। मैं शोर नहीं बचा रही हूँ, इधर रो के दिखाओ। और इतना शुगर लगा वो तो पूरी मीम बन गई थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी जिसकी कोई इंतहा। हम लोग महंगी में गए हुए थे तो वहाँ से फटाफट यार हौसला तो कर जाओ, मैं इतनी खप के अंदर हम लोग रात को एक कोई काटने पहले। हाय तौबा अल्लाह, बच्चों की बर्थडे मनाना बिना कसम इतना कोई मुश्किल काम है। उसी टाइम इनको रोना आ जाता है, उसी टाइम ये पॉटी कर देते हैं, उसी टाइम इनको भूख भी लग जाती है। और फिर सिद्दकी जो अब पीपला गुना से कि यार बच्चों को चुप नहीं करवा रहे हैं, ऐसे अपनी बर्थडे मनाने में लगे हुए, यार हमें पता है ना वो बच्चा ऐवे ही रो रहा है, उसको कुछ भी नहीं है। तौबा, हम लोगों ने पहले एक घंटा इंतजार किया कि चलो यार कोई नहीं, अब चुप कराते हैं, अब चुप कराते हैं, लेकिन वो होता है ना कि बच्चों को जरा मतलब वो चढ़ जाते हैं कभी कभी, फिर जैसे मूड अच्छा होता है तो फटाफट चलो यार केक काटे। पूरी कोशिश चल रही है यहाँ पे इसको डिस्ट्रैक्ट करने की, और अभी चेक कीजिएगा। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है कि यार लोग अपने बच्चों की फर्स्ट बर्थडे कम वलीमा ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। फेमस इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को आप देखते हैं, उनके बड़े बड़े बर्थडे डेकोर्स देखते हैं, तो बंदा सोचता है कि नहीं यार हमने भी ऐसे ही करना हैवी से हैवी। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि यार जो बच्चों की फर्स्ट बर्थडे होती है ना, वो बच्चों को तो याद भी नहीं रहती, तो उसके ऊपर इतना खर्चा करने का क्या फ़ायदा। तो बच्चों को सेलिब्रेट करने से बजाय अगर हम उनकी माओं को सेलिब्रेट करें कि यार उन्होंने पूरा एक साल गुजार लिया उस बच्चे के साथ, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और मुझे वो आइडिया बड़ा मज़े का लगा था कि नो डाउट वाकई यार माओं का बड़ा हौसला है। तो खैर एनीवेज, की बर्थडे के लिए हमने रात को केक काट लिया था, फिर हमने सोचा कि ये ज्यादा फैंसी पार्टी नहीं करते लेकिन एक फैमिली डिनर कर लेते हैं, क्लोज रिलेटिव्स को बुला लेते हैं, एक अच्छा सा फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा, इसी बहाने हमारे बच्चे की पहली बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगी। दोज ऑफ यू हु डोंट नो, मूसा मेरा भतीजा और मुस्तफा मेरा बेटा है। समटाइम्स ऐसे होता है कि लोग मुस्तफा को मिलकर कह रहे होते हैं अच्छा ये मूसा है, और मुझे इतनी हंसी आ रही होती है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों ही मेरे बच्चे हैं। होता है ना देसी माओं की देसी अर्ज की यार मैं खाना बनाती हूँ, मैं घर पे सारा सेटअप करती हूँ, तो अम्मा वॉज लाइक दैट के सुशांत भाई को वो बार बार अम्मा बोल रही थी कि शान मैं खाना बनाती हूँ, सबको घर पे बुला लो, हमने कहा रहने दें आप। उसके लिए हम लोगों ने चूज किया कि यार अजवा चलते हैं, अजवा गार्डन सुल्तान से थोड़ा सा बाहर निकल के है, थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, इट विल बी फन और मौसम भी अच्छा होगा। बेब टेंशन हो गई है, खाना शाना तो खाना आ गए, लेकिन अगर हमने बिट कर दी ऊपर से फिर राय भी सीधी कढ़ाई में। बहुत ही रैंडम, बहुत ही सडन प्लान बना था हम लोगों ने, ऐसे बैठे बैठे कहा कि नहीं यार मुझसे की बेहतर करते हैं, चलो चलो सबको फ़ोन कर दो ना, किसी के पास गिफ्ट लेने का टाइम भी नहीं था, तो उन लोगों को हमने फ़ोन किया, बुकिंग करवाई, साथ ही हमने छोटा सा डेकोर करवा लिया। तो इट वाज नॉट अ वेरी बिग फैंसी पार्टी, बट इट वाज लाइक यू नो फैमिली गेट टुगेदर, और बड़ा मज़ा आया, वी एंजॉयड इट। खैर अभी मैं बात कर रही थी ना कि बच्चों के बर्थडेज के ऊपर ना उनकी माओं को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए कि यार माशाल्लाह कितना हौसला है कि उन्होंने साल गुजार लिया। ऑल दो आई नो कि दुनिया की हर औरत ही करती है ये सब काम, और नो डाउट बच्चों के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है ना, नथिंग्स लाइक दैट बिफोर, कि मतलब आपकी जिंदगी बिल्कुल ऐसे सिरे से ही बदल चुकी होती है। एक बच्चा 24/7 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे ही तो नहीं औरतें बच्चों के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाती हैं, एक ये बड़ी नेचुरल चीज़ है। खैर यार ये तो बहुत ही बड़ी डिबेट है ना कि मैं इस टॉपिक को पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। जहाँ पे सब खाना खाने में मसरूफ थे वहाँ हमारे बर्थडे बॉय कोने पे बैठ के मजे से अपने कार्टून एंजॉय कर रहा था। कुछ दिनों पहले मैं एक फैमिली गैदरिंग में बैठी थी, तो वहाँ पे किसी ने बोला कि आजकल की औरतें तो ब्रॉयलर माएं हैं, जिनके पैरों के तले जन्नत है ना, वो औरतें
औरतें तो हमारे ज़माने की थी जो इतने इतने बच्चे पैदा करती थी, इतने इतने काम करती थी, साथ में पूरे घर संभालती थी, आठ आठ बच्चे भी संभालती थी। आई एम सॉरी टू से बट ऐसी बातें मर्द ही कर सकते हैं, क्योंकि हम औरतों को पता है कि यार माएँ बेशक जिस मर्जी ज़माने की हों, एक बेबी की खातिर आप अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो। आपका करियर, लाइफ स्टाइल, सोशल सर्कल, यहाँ तक कि आपकी प्रेफरेंसेज, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज आफ्टर हैविंग अ बेबी। इतनी कुर्बानियाँ देती है एक औरत एक बच्चे की खातिर। इन लोगों को ये बात नहीं समझ में आती कि हर ज़माना डिफरेंट होता है, ज़माने की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है। आप पत्थरों के ज़माने को और टेक्नोलॉजी के ज़माने को तो आपस में कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी आपको एक सेकंड नहीं लगाती ताने देने में। बच्चे का माथा नहीं बिठाया, बच्चे का सर नहीं बिठाया, बच्चे संभालने नहीं आते, इन्होंने तो हेल्पर रखी हुई है, ये तो बच्चे मासियाँ संभाल रही हैं, ये तो खुद ऐश कर रही हैं। खैर यार, ये वो सारी बातें जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत कॉमन है, मैं किसी एक को पॉइंट नहीं करूंगी, ये हर कोई करता है। मेरी आप सब लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि यार आप अपने इर्द गिर्द जब कोई यंग मदर्स देखें ना, तो उनको क्रिटिसाइज करने की बजाय उनको अप्रिशिएट कर दिया करेंगे। यू आर डूइंग अ गुड जॉब, इंशाल्लाह अच्छे से पल जाएंगे, अच्छी इनकी तरबियत भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। कल तो मेरा दिल कर रहा है कि यार अभी इस टॉपिक के ऊपर मैं बैठ के 10-15 मिनट बोलूँ अच्छी तरह, लेकिन यहाँ पे मीठा आ चुका है मेरा बच्चा जो माशाल्लाह इतनी देर से सोया पड़ा था, इसने अपनी माँ को अच्छे मजे से बर्थडे पार्टी इंजॉय कराई और यहाँ में ये उठा, तो फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेट्स चेंज द टॉपिक। यहाँ पे मुस्तफा साहब उठ चुके थे और इसने कहा है आप हेयर स्टाइल बना के बैठी हुई है, जरा सब्र करें ना, मैं आपके बाल सारे सेट करता हूँ अभी। अंदर का माहौल बड़ा फिट था, हम लोगों ने पूरा खाना वगैरह अंदर बैठ के खाया, फिर हमने सोचा कि यार चाय तो जरा बाहर जाके खाते हैं ना, जरा मतलब ऐसे अंगीठी वगैरह जला के, और चाय खाते थोड़ी है चाय पीते। बस फिर हम लोगों ने भी कहा यार चलो अच्छे से सर्दियाँ वगैरह इंजॉय करें, अंगीठी वगैरह जलवाई, वहाँ पे वैसे इंतजाम वगैरह हुआ हुआ होता है। फिर हमने सारे साथ चाय ऑर्डर की, गर्मा गर्म चाय सर्व हुई। अभी तक ना मुझे घर के अंदर तो बिल्कुल फील हो ही नहीं रहा था कि यार सर्दियाँ आ भी गई हैं, लेकिन उस दिन फाइनली जाके मुझे अपना कोट शूट पहनने का मौका मिला। फॉर दोज ऑफ यू पीपल हु आर आस्किंग मी कि मैंने ये सूट कहाँ से लिया, मेरा ड्रेस कहाँ का है, मेरा कोट कहाँ का है, उसकी डिटेल्स मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारा बिल आ चुका था और वो बिल होता है ना आते सारा चेक कर लें एक दफा, सारे तीन लोग सर जोड़ के खड़े हुए यार, पूरा का पूरा बिल चेकआउट हो रहा है। मुझे याद आया कि यार यहाँ पे तो इनके पीछे झूले लगे हुए और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ पे जाऊँ, ट्रैम्पोलिन लगा हुआ और मैं उसके ऊपर चढ़े बगैर वापस आ जाऊँ। अबाउट द ड्रेस, ये ड्रेस मैंने शीन से परचेज किया था, इट्स अ वेरी नाइस डार्क रेड कलर, ऐसे मरून से कलर का फ्रॉक है, बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में शीन से मंगवाया था। उस टाइम मुझे ये पड़ा था तकरीबन $30-35 था, इतना मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन इतना था। और ये कोट मैंने इस बार के मार्ट से लिया और ये तकरीबन 12,000 का आया था। वो मैंने आप लोगों को उस टाइम दिखाया भी था, मैंने बताया भी था कि यार ये मैंने के मार्ट से लिया और ये मुझे बहुत सस्ता पड़ा है, क्योंकि मैं इस बार अभी कोट के प्राइस लॉन्ग कोट्स के मैंने ब्रेकआउट आउटफिटर्स और वन वगैरह पे पता किया है, तो यार वो एक कोट मुझे पसंद आया एंड दैट वाज 25,000 रुपीज। तो मैं तो पड़ गए, मैंने कहा है नहीं यार ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो फिर जब मुझे ये नजर आया तो मैंने कहा यार ये उसके मुकाबले में अच्छा भी बहुत है और थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी है। स्टफ इसका बहुत अच्छा है और इसका डिजाइन उससे भी ज्यादा अच्छा है और इतनी अच्छी फिटिंग में मुझे पूरा आया। फिर हम लोगों ने अच्छे से ट्रैम्पोलिन पर झूले लिए, इतना एक बंदा आया उसने कहा उतरो तुम्हारी ऐसी की तैसी। और एट दी एंड अजवा पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, इनका माहौल इनडोर आउटडोर दोनों बहुत अच्छा था, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी और इनका खाना भी बहुत अच्छा था। तो मेरी तरफ से यार दिस वन इज रिकमेंडेड, अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो अच्छा कॉन्टिनेंटल फूड एंजॉय करने के लिए तो दिस वन इज द प्लेस। और अब मैं मुकीत को मनाती फिर रही हूँ कि यार मेरी भी बर्थडे पार्टी इधर करा दे। तो खैर यार एनीवेज दिस इज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। आप लोगों से सिर्फ आज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज 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 सब्सक्राइब। सोचती थी लोग कैसे कर लेते हैं सब्सक्राइब करने का, जिसने करना है वो वैसे ही कर ले, लेकिन ये एक तरह से अप्रिसिएशन होती है जो जरूरी होती है हमारी मोटिवेशन के लिए। खैर एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।